अमरनाथ यात्री अपनी इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। अमरनाथ यात्रियों की फिजिकल फिटनेस बनी रहे इसके लिए आयुष विभाग ने जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के लिए आधार शिविर में योग सत्र का आयोजन किया है। आयुष विभाग की योग प्रशिक्षक डॉक्टर मानवी गुप्ता के अनुसार अमरनाथ तीर्थ यात्रियों में जागरूकता पैदा करने और उनकी मदद करने के लिए योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इससे तीर्थ यात्रियों को यात्रा करने में परेशानी नहीं होगी। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से है, जगह जगह अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे हैं। पहले योगा डे के दौरान भी लगाए गए थे बहुत सारी जगहों पे, और यहाँ पे अमरनाथ यात्री निवास में यहाँ पे लास्ट ईयर भी लगाया गया था और इस साल भी यहाँ पे योगा अवेयरनेस कैंप है। ये यात्रियों को अवेयर करने के लिए कि फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस कितनी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हम बहुत ही ज्यादा एडिक्टेड हो गए हैं फोन को लेके, या बहुत सारी युवा जो है वो गलत एडिक्शन की तरफ जा रही है, नशे की तरफ जा रही है। तो ये सब चीजें अगर आप खुद से खुद के बारे में जानते हैं, योग जो है वो आपको खुद को जोड़ता है उस ईश्वर शक्ति के साथ, अगर आप वो चीज खुद से सीख जाते हैं तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज का जो रामबाण है वो योगा है। तो गवर्नमेंट ने अगर इतनी सारी फैसिलिटीज दे रखी हैं और हम योगा इंस्ट्रक्टर्स जो जगह जगह प्रोग्राम्स करा रहे हैं, तो लोगों को भी इसका फायदा मिल रहा है और लोगों को खुद से पता होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा के स्पेसिफिक क्या रहेगा, योगा कितना मदद मिलेगी यात्री को? बहुत सारे, अभी जैसे यात्री आज रात को निकलेंगे वहां के लिए, तो मुझे लगता है जो आज हमने बेसिक सूक्ष्म व्यायाम कराया इनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यात्री चढ़ाई करने से पहले अगर ये करेंगे तो शरीर उनका कहीं ना कहीं ओपन अप होगा, और आने के बाद भी अगर वो करते हैं तो हम उनको हल्का सा मेडिटेशन सेशन देंगे सो दैट उनकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो लास्ट ईयर भी लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया था और आई होप इस बार भी लोगों को काफी पसंद आए और वो अपना ध्यान खुद से रखना शुरू कर दें। तो आपको लगता है कि ये जो योगा है ये हेल्प करेगा यात्रियों को, पिलग्रिम्स को? हाँ बिल्कुल बिल्कुल हेल्प करेगा। अभी भी आप कुछ लोगों से पूछ सकते हैं, हमने छोटा सा सेशन लिया है, बहुत ही इंजॉय किया होगा, और आने वाले टाइम पे भी मुझे लगता है ऐसे छोटे छोटे अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए सो दैट लोगों को लोग अवेयर हों। अभी भी हमारे प्रोग्राम्स बहुत अच्छे चल रहे हैं आयुष डिपार्टमेंट की तरफ से, और आने वाले टाइम पे और ज्यादा बढ़े सो दैट लोगों को खुद से पता हो कि हम किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये पूरा यात्रा ड्यूरेशन तक हर रोज होगा? हाँ जी, ये जब तक यात्रा चलेगी ये तब तक प्रोग्राम चलेगा। यह योग शिविर अमरनाथ तीर्थ यात्रा की पूरी अवधि के दौरान आयोजित किया जाएगा। वहीं इस योग शिविर को लेकर यात्रियों का क्या कहना है सुनिए। यहाँ योगा करने को मिलेगा, ये सोचा था कभी? नहीं, सोचा तो नहीं था, मगर बहुत बढ़िया लगा। इस तरह के अरेंजमेंट है कि योगा भी यहाँ प्रोवाइड किया? जरूर जरूर होना ही चाहिए योगा, तो ये तो हमारी सनातन धर्म का एक अंग है। इससे लगता है कि एक एनर्जी मिलेगी और यात्रा करने में मतलब जो दिक्कत है वो थोड़ी कम होगी, फिजिकल जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारी यात्रियों की कम होगी योगा से। तो ये बढ़िया उपक्रम था, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अभी मैडम ने पादासन कमलासन जो भी सिखाए वो अच्छा था, और एक एनर्जेटिक मतलब एनर्जी क्रिएट होती है आदमी में, जो बाबा बर्फानी का दर्शन करने में हर एक यात्री को काम आ सकता है। जो वो चढ़ने में दिक्कत आएगी उससे इस योगा से थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है उसको, बॉडी में अच्छा कदम उठाया। यस बिल्कुल अच्छा है योगा भी आपको। यस ये अनएक्सपेक्टेड जो किया है आपने, जो अरेंजमेंट किया गवर्नमेंट ने या आपके कलेक्टर जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वो बहुत ही अच्छा था और अच्छा है और अच्छा होना भी चाहिए।